तो दोस्तों अभी हमारे सामने 2010 के मॉडल की मेहरान गाड़ी आ चुकी है। तो दोस्तों अभी हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है 2016 का, ये मॉडल है 18 की, ये रजिस्ट्रेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, के हिसाब से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे हमारे प्यारे बहन और भाई। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई मैंने वीडियो वगैरह अपलोड कर दी है, पार्ट वन पार्ट टू वगैरह, ये है पार्ट थ्री और इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं और उम्मीद करता हूँ जो आप गाड़ियाँ चाह रहे हैं वही वाली गाड़ियाँ हैं इस वीडियो के अंदर। मेहरान, कल्टस, एफएक्स, काफ़ी सारी गाड़ियों की डिमांड वगैरह आ रही है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये सारी गाड़ियाँ ऐड करूं। अभी कल संडे है, आज हफ्ता है और इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि कल संडे मैं जाऊंगा कार मार्केट तो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ ढूँढूँगा। तो अगर मुझे बता दिएगा मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे पता है घर से देख रहे हैं, लेकिन एक कमेंट करके बता दिएगा कौन से शहर, कौन से सिटी, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे प्यारे भाई एक शकील भाई बहुत कमेंट करते हैं, दिल से शुक्रिया शकील भाई। और रिजवान भाई हैं और एक आरिफ भाई हैं, एक नाम मैं भूल रहा हूँ जो कि भाई मुझे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो मैं नाम देख लूँगा इंशाल्लाह, कल वीडियो में नाम ले लूँगा उनका। ये कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों अभी हमारे सामने 2010 के मॉडल की मेहरान गाड़ी आ चुकी है और अभी आपको गाड़ी की मैं कंडीशन दिखा देता हूँ, भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो जैसा कि आप गाड़ी के फ्रंट की लाइट ग्रिल आगे की कंडीशन देख लें और अभी आपको गाड़ी के मैं टायर दिखा देता हूँ, टायर से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा, टायरों की बात करें जैसे कि आप गाड़ी के टायर देख सकते हैं, 70-80% हमें गाड़ी के टायर ओके देखने को मिल जाते हैं। और अभी आपको गाड़ी की मैं पीछे से कंडीशन दिखा देता हूँ, पीछे से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है, इट मीन्स के गाड़ी की पीछे से कंडीशन किस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा, गाड़ी की कंडीशन की बात करें, गाड़ी की कंडीशन तो हमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है और काफ़ी डिमांड आ रही थी भाई मेहरान गाड़ी की, तो जब भी मैंने बोला मेहरान गाड़ी ऐड की जाती है, तो आप जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर साइड देख सकते हैं, ड्राइवर साइड से भी हमें गाड़ी बिल्कुल ओके देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं गाड़ी के डोरों की तरफ और अभी आपको गाड़ी की मैं डोर दिखा देता हूँ, डोर से मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा, डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के डोर की भी कंडीशन देखें, डोर भी हमें बिल्कुल ओके देखने को मिलते हैं। और अभी आपको गाड़ी की मैं इंटीरियर और डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, जैसे कि आप गाड़ी का इंटीरियर और डैशबोर्ड देख सकते हैं, बिल्कुल डिसेंट सा लुक है। और सीट्स वगैरह देख लें आप लोग भाई, सीट्स की कंडीशन देख लें, सीट्स का भी बिल्कुल डिसेंट सा लुक हमें देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सादा सा लुक और बिल्कुल प्यारा सा लुक हमें गाड़ी का ये देखने को मिल जाता है। सीट्स वगैरह से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी के मैं पीछे के डोर दिखा देता हूँ भाई, पीछे से हमें गाड़ी कैसे मिल जाती है देखने को। तो बात करें गाड़ी के पीछे वाले डोरों की, तो जैसा कि आप गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देख लें, पीछे के डोर देख सकते हैं आप लोग। और सीट्स आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, सीट्स वगैरह देख लें, सीट्स अभी हमें गाड़ी बिल्कुल ओके देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख सकते हैं। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, उससे पहले आपको गाड़ी का इंजन रूम और डिग्गी में दिखा देता हूँ, डिग्गी की तरफ बढ़ चुके हैं और अभी आपको गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ भाई। तो काफ़ी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अगर सही से दिख जाए, काफ़ी सामान पड़ा हुआ है सर, अच्छा तो काफ़ी सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तो इस वजह से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि डिग्गी भी हमें आपको मैंने दिखा दी है। तो अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम मैं दिखा देता हूँ। बात करें गाड़ी के मेन की पट्टी की, गाड़ी की मेन की पट्टी की कंडीशन देख लें और इंजन में आप बैटरी वगैरह देख सकते हैं भाई। और बात करें गाड़ी के चेसिस नंबर वगैरह, टिक्की वगैरह की, वो आप देख सकते हैं। और कुप्पों की बात करें, कुप्पे वगैरह देख लें, कुप्पे हमें गाड़ी के बिल्कुल अपनी सीलों पे देखने को मिल जाते हैं। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। भाई जान भाई, गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये गाड़ी? 2010 है और इसकी डिमांड 580 है, आउटो शावर है। अच्छा, 580, कमी पेशी हो जाएगी भाई थोड़ी बहुत? कमी पेशी क्या करेंगे, बस थोड़ी बहुत 560 कर लेंगे। चलें, अच्छा डॉक्यूमेंट से बस टैक्स से क्लियर है, सब कुछ एसी वगैरह वर्किंग में है? नहीं, एसी नहीं है, वीएक्स है। अच्छा, वीएक्स है, पेट्रोल चेंज दोनों पे से पेट्रोल भरे? पेट्रोल। एक लीटर में कितना देरी के अंदाजा है कुछ? 13 से 15 तो दे रही है, 13 से 15 दी जाती है। अपने नंबर शेयर कर दें ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके भाई। 0315 0315 264 264 1979 1979। आपका नाम? मुनीब। मुनीब भाई, लोकेशन कहाँ की गाड़ी का मिल सकती है अगर कोई भाई देखना चाहे? आपको ये गाड़ी गुलशन में भी मिल सकती है, जौहर में भी अगर कोई रहता है, या फिर मलीर में भी। ठीक हुआ, थैंक यू सो मच। मुनीब भाई की गाड़ी है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो मुनीब भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।
तो दोस्तों अभी हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है 2016 का, ये मॉडल है 18 की, ये रजिस्ट्रेशन है। अभी आपको गाड़ी की कंडीशन में दिखा देता हूँ, मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा, गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें, आप गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें, लाइट ग्रिल, आगे की कंडीशन आप खुद देख सकते हैं। और अभी आपको गाड़ी की मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, जैसा कि आप गाड़ी के टायर वगैरह देख लें। और ड्राइवर साइड की बात करें, आप गाड़ी का ड्राइवर साइड वगैरह भी देख सकते हैं। और अभी आपको गाड़ी के मैं पीछे के टायर दिखा देता हूँ, पीछे से मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई। और बैक लुक गाड़ी का देख सकते हैं भाई, बैक से भी हमें गाड़ी की कंडीशन काफ़ी नॉर्मल कंडीशन में दिखने को मिल जाती है। और बात करते हैं गाड़ी के दूसरे वाले साइड लुक की, तो आप गाड़ी का दूसरा वाला साइड लुक भी देख सकते हैं। और अभी आपको गाड़ी के मैं डोर दिखा देता हूँ भाई, अंदर से गाड़ी की क्या कंडीशन वगैरह है। तो बात करें गाड़ी के डोरों की, तो अभी आपको गाड़ी के मैं डोर दिखा देता हूँ भाई। तो डोरों की बात करें, जैसे कि आप गाड़ी के डोर की कंडीशन देख लें भाई, डोर से भी हमें गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल दिखने को मिल जाती है, आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर और डैशबोर्ड की, तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख सकते हैं, इंटीरियर डैशबोर्ड से भी हमें गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है। और सीट्स की बात करें, जैसे कि आप गाड़ी की सीट्स की भी कंडीशन देख लें भाई, सीट से भी हमें गाड़ी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की आगे से तो कंडीशन मैंने दिखा दी है, गाड़ी के मैं पीछे के डोर दिखा देता हूँ भाई, पीछे से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो पीछे वाले डोरों की बात करें आप, जैसे कि गाड़ी के पीछे के डोर देख सकते हैं, पीछे वाले डोर से भी हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में दिखने को मिल जाते हैं, गाड़ी के पीछे के डोर। सीट्स की बात करें, आप गाड़ी के पीछे की सीट्स भी देख लें भाई, सीट से भी हमें गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में दिखने को मिल जाती है, जैसे कि आप गाड़ी की सीट्स खुद भी देख सकते हैं। और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और अभी जो भाई है उनसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ, और अभी आपको गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ। और यहाँ पे थोड़े बहुत भाई ने सामान वगैरह डाले हुए हैं, तो कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम मैं दिखा देता हूँ। बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम मैं दिखा देता हूँ। मेन की पट्टी की बात करें, तो आप गाड़ी की मेन की पट्टी की भी कंडीशन देख सकते हैं, बैटरी वगैरह देख लें आप लोग गाड़ी का। इंजन में काफ़ी धूल मिट्टी जम चुकी है भाई, तो आपको पता है कराची, और कराची में तो भाई धूल मिट्टी आपको पता है भाई। कुप्पे वगैरह देख लें, और एवरीथिंग इज आपके सामने भाई। तो मैं आपको फिर से सही से दिखा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी की कंडीशन जो भी होगी समझ में आ रही होगी। तो अभिजीत भाई की गाड़ी है, भाई से कांटेक्ट करवा देता हूँ, उनसे पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहा है। अभिजीत भाई की गाड़ी है भाई, हमारे साथ है, भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। भाई जान, भाई गाड़ी के बारे में तफसील वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये? भाई जान, ये मॉडल 2016 का है और रजिस्टर्ड 2018 की है। ठीक है, और गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह एक रुपए का भी काम नहीं है, और गाड़ी में इंजन भी बहुत अच्छा है, और इसकी जेन्युइन माइलेज 71,530 किलोमीटर है। आप दिखा भी दें इसकी जेन्युइन माइलेज। टचअप कितने पीस है? 2 पीस है। ठीक हो गया। और बाकी बात करें गाड़ी के डॉक्यूमेंट सिंपल सी टैक्स की? जी बस टैक्स इसका थोड़ा सा 1 साल का रह गया है, तो वो इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। बाकी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज से ओके है। एसी वगैरह वर्किंग में चले? एसी की गैस कम है, तो इंशाल्लाह वो मैं काम करा दूंगा इसका, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है। पेट्रोल सीएनजी दोनों पे? सिर्फ पेट्रोल पर है। पेट्रोल पर है गाड़ी। 1 लीटर में कितना देगी भाई? 13 किलोमीटर इसका एवरेज है। 13 किलोमीटर दे आती है। बात करें गाड़ी की डिमांड की, तो क्या डिमांड इसकी? 22 लाख रुपीज है। इंशाल्लाह आप बात करेंगे तो कमी पेशी हो सकती है। हमारा भाई अगर किसी भाई को पसंद आती है तो कर लेंगे। आप अपना नंबर शेयर कर दिएगा सर? नंबर मेरा 0315 0315 2272 2970 990। आपका नाम? हाफिज रुबाब अली। हाफिज भाई, लोकेशन कहाँ की गाड़ी कहाँ मिल सकती है? लोकेशन नियर 4K चुरंगी सैमा अरबिन विलास, वहीं भी है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। हाफिज भाई की गाड़ी है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो हाफिज भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो भाई यहाँ पे वीडियो एंड होती है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।